महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के खिलाफ में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आप सबको पता ही होगा कि उद्धव ठाकरे के टोटल 40 से अधिक विधायक जो है इस टाइम गुवाहाटी के एक होटल में उपस्थित हैं, और उनको जो है अभी कुछ दिनों पहले डिप्टी स्पीकर के द्वारा 15 से 16 विधायक जो हैं उनको नोटिस भेजा गया था, जिसके खिलाफ में एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और इस पर जो है सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की भूमिका पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से 15 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस के खिलाफ में दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के रोल पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि बागी विधायकों ने उनके ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था तो कैसे उन्हें नोटिस जारी किया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि आपने अपने खिलाफ दायर अर्जी पर कैसे डिप्टी स्पीकर खुद ही जज बन गए। इस पर डिप्टी स्पीकर की ओर से पेश हुए वकील राजीव धवन ने कहा कि उनके खिलाफ जो नोटिस आया था वह अनवेरिफाइड ईमेल से भेजा गया था, इसीलिए उनके द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की ओर से पेश वकील राजीव धवन से सवाल किया कि यदि विधायकों की ओर से नोटिस मिला था तो फिर उसे खारिज क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने खिलाफ मामले में उन्होंने खुद ही कैसे सुनवाई की और खुद ही जज क्यों बन गए। इसके साथ ही अदालत ने डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस शिवसेना विधायक दल के नए नेता अजय चौधरी और चीफ भी बनाए गए सुनील प्रभु को भी एक नोटिस जारी किया है। उनको भी बोला है कि जल्द से जल्द इस पर जो है जवाब दाखिल करें। 5 दिन का टाइम दिया गया है डिप्टी स्पीकर को और वो जो है 5 दिनों के अंदर अंदर इस पर जो है अपना जवाब दाखिल करेंगे। साथ में ही 3 दिन का टाइम दिया गया है उन सारे के सारे बागी विधायकों को, उनको भी इस पर जो है अपना हलफनामा दाखिल करना होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।